ये कुल 35 रुपीज की आइटम है। लेकिन क्या बात है, सिर्फ ये मोटर और ये कंट्रोलर, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंजन है। ट्यूब जल्दी फटती है और इसमें जो इसके अंदर जो ट्यूब लगती है वो ट्यूब जल्दी नहीं फट सकती इसके। इसका मैडम 35 से 40 रुपए इसकी कॉस्टिंग रहती है। और ये बैक इंडिकेटर है, इसी में फ्रंट इंडिकेटर मिल जाते हैं। मैडम रिटेल में भी डील करता हूँ, अगर किसी को 1000 रुपए के पार्ट चाहिए, छोटे चाइल्ड पार्ट चाहिए, कंप्लीट पैकेज रहता है। आप एट अ टाइम अभी देख सकते हो कि मेरे पास प्राइस क्या रहने वाले सर। प्राइस मैडम इसके 180 ओनली। आइटम दिखाना चाहूंगा आपको, मीटर केबल और फ्रंट ब्रेक केबल 33 इंचेस वाली साइड की तरफ। इसमें अपना किलोमीटर और अपना जो भी रिक्शा किस स्पीड से चल रही है, कितनी उसकी स्पीड है, आप इसमें रीडिंग वगैरह देख सकते हो, कितना इसमें एम्पियर आ रहा है, कितना इसमें वो साइड मिरर। ये काफी फैंसी है, बात है। स्टॉक देख लीजिए गाइस, आपको बिल्कुल भी कमी नहीं मिलने वाली है। लुक इनहेंस करता है, प्लस जो रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो ये वाले रिम लगा। Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel, Exploring Kamal. Guys, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही हटके एंड जबरदस्त, बिकॉज आज की वीडियो में जैसे कि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड चल रहा है, जैसे ई रिक्शा बहुत ज्यादा चल रहे हैं आजकल। तो आज मैं आपको एक ऐसे वेयर हाउस पे लेकर आ गई हूँ जहाँ पर आपको हर तरीके के स्पेयर पार्ट्स मिलने वाले हैं ई रिक्शा के, एक पिन से लेकर आपको मोटर तक हर प्रोडक्ट इस छत के नीचे मिलने वाला है एंड प्राइसेस बहुत ही अफोर्डेबल रहने वाले हैं। गाइस वीडियो के साथ आप एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को फटाफट से कर दीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज इसी तरीके का अमेजिंग अमेजिंग वीडियो एंड कलेक्शन हमारे चैनल पे आता रहता है। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाइए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं आके ऑनर्स। गाइस आज हम पहुंच चुके हैं रिठाला एंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास जी। सर आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बता दीजिए अपनी फर्म के बारे में। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है विकास कश्यप और मैं पिछले 7 से 8 साल से डील करता हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्पेयर पार्ट्स में। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे कि आप जानते ही होंगे कि गवर्नमेंट बड़ा प्रमोट कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफ़ी सारी कैटेगरी हैं, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक रिक्शा, इलेक्ट्रिक स्कूटर। हाँ जी। पर मैं मेनली 2 चीज़ों में डील करता हूँ, जैसे कि कमर्शियल लाइन की जो आइटम्स है, जैसे कि इलेक्ट्रिक रिक्शा जो 3-व्हीलर होता है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक स्कूटी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर भी बोलते हैं कई लोग उसको। हाँ, इन दोनों के स्पेयर पार्ट्स में मैं डील करता हूँ। और जैसे कि मेरा ऑफिस यहाँ पे रिठाला में है और एक मेरी ऑफिस लखनऊ में भी है, उसकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। पर अभी मैं आज आपको जो मेरे पार्ट्स हैं, जैसे कि डिफरेंशियल है, मोटर है, कंट्रोलर है, रिम्स है, और बहुत सारी वेराइटी मेरे पास है, और उसमें हल्का, मीडियम, भारी, जैसे कि काफ़ी सारी उसमें रेंज होती है, कैटेगरी होती है, तो वो मैं दुकानदार भाइयों को या रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स को, तो इसमें जैसे कोई भाई नया एंटर होना चाहता है, अपना काम खोलना चाहता है किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो वो काम कर सकता है। और आपको नीचे बोर्ड लाइन में नंबर मेरे मिले जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर मिल जाएंगे, मेरी टीम के नंबर मिल जाएंगे, तो उस पर ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली होलसेल में डील करने वाले हैं आप। मैं मैडम रिटेल में भी डील करता हूँ, अगर किसी को 1000 रुपए के पार्ट चाहिए, छोटे चाइल्ड पार्ट चाहिए रिक्शा के, वो भी मेरे पास अवेलेबल है। कोई 50,000 रुपए के पार्ट्स मांगता है, वो भी मेरे पास अवेलेबल है। रही बात प्राइसिंग की, तो जैसे कि मेरा खुद का जैसे कि इंपोर्ट होता है और मेरे पास काफ़ी इंडियन रेंज प्लस इंपोर्टेड आइटम है, तो आपको रेट बहुत कॉम्पिटिटिव मिलने वाले हैं। और कई जैसे भाई पिछली वीडियो जिन्होंने मेरी देखी थी, तो उस वीडियो को देख के भी कई सारे भाइयों ने, कई सारे लोगों ने काम स्टार्ट किया था, तो आपको ऐसे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। सर बेसिकली आज हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? सबसे पहले मैडम रिक्शा का जो मेन आइटम होता है डिफरेंशियल, हम उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आप ये देख रहे होंगे लोहे का ये डिफरेंशियल होता है। हाँ जी। इसके ऊपर दो, इसके साइड में दो ये व्हील्स लगते हैं इसमें दो, और ये गियरबॉक्स होता है इसमें। ये क्या है, रिक्शा का मेन कॉम्पोनेंट होने के साथ साथ इसमें साइजेस वगैरह भी होते हैं। हाँ जी। 33, 35, 33 इंचेस, 35 इंचेस, 37 इंचेस, 42 इंचेस, 52 इंचेस, काफ़ी सारे साइज रहते हैं। मेनली जो अपना डिफरेंशियल लगता है ये 33 इंचेस में आता है, और जो पैसेंजर गाड़ी में लगता है 33 इंचेस में लगता है। ये ओरिजिनल CY है और इसमें काफ़ी सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी आते हैं, तो अगर जो दुकानदार होता है उसके लिए भी प्रोडक्ट्स हमारे पास, जो OEMs है उसके लिए भी हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल है। इसका प्राइस रहने वाला है आपके व्यूअर्स के, हमारे व्यूअर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 4300। वाओ, 4300 से लेके 4500 तक आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब आप कहेंगे दो प्राइस कैसे? हाँ जी। अब इसमें क्या है, एक कॉपी आता है, एक ओरिजिनल होता है, तो इस करके प्राइस है। बट एज आई कैन सी ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। नहीं, 43 and 45। यस यस यस, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट देखने वाले हैं सर। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा ये लीफ स्प्रिंग जी। इसमें काफी सारे जैसे लीफ स्प्रिंग होती है, इसमें 6-6 पट्टे की कमानी होती है,
आठ पट्टे की होती है, सात पट्टे की होती है, इसमें काफ़ी सारे वेरियंट्स। वैसे ही इसमें सात पट्टा और छः पट्टा इसमें ऐसे आता है, इधर सारी लीफ स्प्रिंग लगी हुई हैं। प्राइस रेंज की बात करें तो सर प्राइस क्या रहने वाला है इनका? प्राइस इसका मैडम 700 से लेके 750 के बीच में आएगा अपना, सिक्स छः पट्टे का, और उसके बाद रहता है फिर 750 से 800 के बीच में, और फिर रहता है 950 से 1000 रुपए के बीच में आठ पट्टे का। बेसिकली अंडर 1000 इनकी रेंज, अंडर 1000 वी विल गेट एवरीथिंग। ठीक है, दैट्स सुपर्ब। सर अगर इनकी बात करें, ये मैडम हमारा एक और एसेंशियल प्रोडक्ट है ई रिक्शा का, ये है रिम। हाँ जी, इसमें काफ़ी सारे वेट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि मैडम एक कॉमन आदमी भी जान सकता है कि अगर आप हल्की चीज़ लगाते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि ड्यूरेबिलिटी कम रहती है। अब जैसे ये वेट देखेंगे आप इसका, 2 किलो 800 ग्राम है, काफ़ी अच्छा रिम है, आप स्टैंड में भी पकड़ के देख सकते हैं। एग्जैक्टली, हाँ, और ये काफ़ी डिमांड में है। हाँ जी, अब इसमें जैसे कि आपको एक पीस चाहिए या 100 पीस चाहिए या 1000 पीस चाहिए, जितना मर्जी आप मेरे से ले सकते हैं सिंगल शॉट ऑर्डर में। ये आप देख सकते हैं सारा स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल है। ये मैडम इसी में थोड़ा सा हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट आ गया। हाँ जी, अब जैसे इसमें डिफरेंस आप देखेंगे, इसमें नोक है। हाँ, इसमें लेकिन नोक नहीं है, इसमें ट्यूब जल्दी फटती है, और इसमें जो इसके अंदर जो ट्यूब लगती है वो ट्यूब जल्दी नहीं फट सकती इसके अंदर। ओके, ये आपको आप देख सकते हैं सर, आपको डिफरेंस भी बता रहे हैं दोनों में क्या रहने वाला है। प्राइस की बात करें सर, इसका प्राइस एंड इसका प्राइस क्या रहने वाला है? का प्राइस रहता है मैडम 380 रुपए इसका प्राइस रहता है। ठीक है, एंड इसकी? इसका मैडम 550 के आसपास का इसका रेट रहता है। क्या बात है, और इसमें आप देखेंगे इसकी इसकी ड्यूरेबिलिटी इससे ज्यादा होती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी इससे ज्यादा होती है ऑब्वियसली, और इसका वेट भी इससे ज्यादा रहता है। प्लस मेरे जो भी आइटम होंगे मोस्ट ऑफ द उसमें क्या है रिप्लेसमेंट का उसमें रहेगा, जैसे रिम है, रिम अगर टूट जाए, क्रैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप इसको वापस कर सकते हैं इजीली, और मैं नया पीस दे दूंगा। क्या बात है, मतलब सर्विस की आपको यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, सर्विस आपको बेस्ट मिलने वाली है। कहीं भी दिक्कत आ जाए सर को एक कॉल घुमा दो एंड आपको न्यू प्रोडक्ट। मेरी टीम हमेशा अवेलेबल है मैडम, और इसमें आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपको सर्विस जो मैं यहाँ पर दिल्ली में बैठ के दे रहा हूँ वो पूरे पैन इंडिया लेवल पे दूंगा आपको। क्या बात। नेक्स्ट आइटम मैडम जो ड्राइवर को हेल्प करता है पीछे का सारा व्यू देखने के लिए, ये है सेंटर मिरर जी। ये कुल 35 रुपीज की आइटम है। क्या लेकिन बात है, सिर्फ 35 रुपीज? यस यस यस, दैट्स ग्रेट। मार्केट में इसका रेट मैडम 50 से 60 रुपए रहता है। हाँ जी, तो काफी अच्छी आइटम है और एसेंशियल आइटम में से एक। और मैडम किसी भी अपने दुकानदार भाई को किसी को भी कितना भी स्टॉक चाहिए, 50, 100, 200, 1000 मेरे पास एनी टाइम अवेलेबल रहता है, जैसे कि आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो। स्टॉक की बिल्कुल भी कमी नहीं रहेगी, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं सर एक पेटी में यहाँ पे कितने पीसेस रहने वाले? ये मैडम 10 पीसेस की क्वांटिटी रहती है, एक डब्बे में 10 पीस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्टॉक की बिल्कुल कमी नहीं रहेगी गाइज, आप एक पीस लें, 1000 पीस लें, हर प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आइटम मैडम ये कर्टेन है। ठीक है, ये साइड पे लगते हैं। हाँ, कर्टेन साइड में लगते हैं, प्लस ये पैसेंजर्स को, जो जितने भी को पैसेंजर्स मेन पैसेंजर्स बैक सीट पे बैठे रहते हैं उनके लिए ये एक डस्ट से और एक रेन से उनको सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, जैसे फुल लेंथ का कर्टेन है। आपको दिखा देते हैं, क्या बात है, फुल लेंथ का कर्टेन है। सुपर। नेक्स्ट, मैं बार बार वीडियो में अगर कुछ भी कह रहा हूँ कि मेरे पास इतना स्टॉक है उतना स्टॉक है, कस्टमर मेरे पास आए, देखे चाहे माल उसको लेना है चाहे नहीं लेना है, एक बार अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मेरे वेयरहाउस पे एटलीस्ट आए और देखे अपनी प्रेजेंस देखे। नेक्स्ट आइटम मैडम मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये सीवाई गोल्ड की मोटर, सीवाई गोल्ड ब्लैक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज सबसे, ये मोटर जो होती है मैडम हमने पहले देखा था कि जैसे पहले कमर्शियल व्हीकल आते थे, स्कूटर आता था या फिर वो गाड़ी आती थी, अभी भी आती है वैसे गाड़ी, तो एक उसमें मेन क्या होता था, इंजन होता था। हाँ, ये मोटर और ये कंट्रोलर, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंजन है, आप इन दोनों को मिला दोगे और इनसे पूरी रिक्शा जब चलती है तो ये इंजन का काम करते हैं। बिल्कुल, और जैसे कि इसमें मैंने दिखाया ये 900 से, इसमें 900 वॉट भी अवेलेबल है, ये जैसे कि आप देख रहे हो इसमें 1000 वॉट है, सीवाई गोल्ड ब्लैक, इसी में 900 वॉट भी अवेलेबल है मेरे पास। एंड ये आप देख सकते हैं सारा स्टॉक मोटर्स का ही रहने वाला है, एंड हर तरीके का अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। सर इसके बारे में जानना चाहेंगे?
इसमें 40 mm के मैग्नेट्स होते हैं इसके अंदर की स्पेसिफिकेशन, और इसमें 3 महीने की रिटर्न वारंटी होती है। ठीक है, अगर कस्टमर को कोई भी इशू आता है तो हम उसको देखते हैं। क्या दिखा रहे हैं सर? मैडम एक ये और ट्रेंडिंग मोटर में होती है, ये है GY की मोटर। हाँ जी। और ये अपने दुकानदार भाई ज़्यादा बेचते हैं, OEM कम लगाते हैं, तो इसमें 900 वॉट और 1000 वॉट 48 वोल्ट में दोनों अवेलेबल रहती है। ठीक है, प्राइसिंग भी बहुत इकोनॉमिकल रहती है इसकी, और ये मान के चलो दुकानदारों की पहली प्रेफरेंस ही GY रहती है आजकल। ठीक है, अफोर्डेबल प्राइसेस में लाइक मिलने वाली है। बहुत अफोर्डेबल मैडम, बहुत अफोर्डेबल। इसी में ये 1000 वॉट की 900 वॉट 1000 वॉट GY में दोनों मिल जाएगी। ठीक है, और इसका आप जैसे भी ऑर्डर बनाते हैं तो आप मोटर के साथ साथ जो भी आइटम इसके अलावा चाहिए होते हो सारे मिल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती इसमें। ठीक है, और इसमें स्टॉक की रही बात तो आप एट अ टाइम मेरे को 10 मोटर 20 मोटर 100 मोटर जितना चाहे उतना भी दे सकते हैं। अभी जैसे वीडियो में दिख भी रहा होगा, जैसे कि CY प्लस की मोटरें हैं, इनामे करते हुए भी 150-200 मोटर एट अ टाइम मेरे पास है। इसके पीछे इसके आगे नेक्स्ट आइटम हमारे पास ये मैडम ये फ्रंट हब है, जैसे कि कोई फ्रंट असेंबली जैसे रिक्शा में लगी हुई आती है। हाँ जी। और उसके बाद ये काफी सारी आइटम ना टूटती है एल्युमिनियम की, इसमें देखो लोहे का बुश लगा हुआ है। हाँ जी। और ओरिजिनल 6202 का बैरिंग लगा हुआ है। और ये SPL क्वालिटी का है। SPL मैडम काफी ब्रांडेड नेम है, लीडिंग नेम है फ्रंट असेंबली में, फ्रंट ड्रम में, और इसके रीम भी आते काफी सारे, बटरफ्लाई भी आती है, मडगार्ड भी आते, काफी सारे प्रोडक्ट्स भी हैं इसके, तो आप ये देख सकते हैं ले सकते हैं। इसमें साइजेस आते हैं 6201 6202 और 6201 6202 और 6302, इसमें ये सारे साइजेस आते हैं मेरे पास और सारे अवेलेबल है एट अ टाइम, जितना मर्जी आप ऑर्डर कर सकते हो। क्या बात है, मतलब स्टॉक के बिल्कुल भी कमी नहीं रहती। बिल्कुल भी नहीं मैडम। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आ जाती है ये हमारी MCB। ठीक है, जो कोई सस्ती MCB लेना चाहता है तो इसका प्राइस रहने वाला है कुल 30 रुपए। क्या बात है, 30 रुपए में MC मिल जाएगी आपको। 30 रुपए में MCB, एक पान के खर्चे से भी कम। और दूसरी इसी में अगर दुकानदार भाई या OEM अपने भाई हैं, हाँ जी, वो अगर MCB लेना चाहते हैं तो ये MCB मिल जाती है। क्या प्राइस रहने वाली? गारंटी वारंटी के साथ, अगर जल जाए फुक जाए पीस नया ले लो, MCB में पीस नया ले लो जी, बिना किसी पूछताछ के कि कैसे हुआ क्या हुआ आप नया ले लो। प्राइस इसका रहने वाला बड़ा अफोर्डेबल कुल 100 रुपए में। क्या? आप ये MCB ले सकते हो गारंटी वारंटी के साथ 100 रुपए में। मैडम नेक्स्ट हमारा आइटम है गियर ऑयल, जो कि पीछे डिफरेंशियल में जैसे सर्विस होती है। हाँ जी। डिफरेंशियल की जैसे सर्विस होती है तो उसमें ऑयल जो लगता है वो E90 गियर ऑयल लगता है, और हमारा VRK के नाम से खुद का गियर ऑयल है। ठीक है। अब इसमें क्या होती है, इसकी थिकनेस, इसकी जो चिपचिपाहट होती है वो काफी अच्छी रहती है, तो आराम से कस्टमर इसको 3 से 4 महीने या मैक्सिमम 5 महीने तक इसको यूज कर सकता है सर्विस के टाइम पे। एंड इसमें भी सर के पास बहुत ही स्टॉक पड़ा हुआ है, वो हम आपको कवर करवा रहे हैं। नेक्स्ट आइटम हमारी रहने वाली है बैटरी रॉड है, इसमें 8 इंची 9 इंची 10 इंची 11 इंची 12 इंची सब मिल जाने वाला, मतलब सब सब। क्या सब बात है, स्टॉक देख लीजिए गाइस, आपको बिल्कुल भी कमी नहीं मिलने वाली है। प्राइसिंग क्या रहेगी सर इनकी? प्राइसिंग इसकी मैडम 10 से 12 रुपए की इसकी प्राइसिंग रहती है बैटरी रॉड्स के। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आइटम पे आ जाते हैं, ये हमारे मडगार्ड के नट्स वगैरह हैं। आप नट बोल्ट वगैरह रिक्शा के कोई भी नट बोल्ट आप मेरे से ले सकते हो, एक छोटे से पेंच से लेके पूरे नट तक। अभी जस्ट हम आपको बेसिक्स दिखा रहे हैं, बाकी बहुत सारा स्टॉक अभी सर के गोडाउन में अवेलेबल है, अभी हम आपको सैंपल्स दिखा रहे हैं कुछ। और नेक्स्ट आइटम ये हमारी रहने वाली है चीरा पिन। अभी चीरा पिन देख सकते हो, जो कि रियर एक्सेल के नट में लगती है। इसकी काफ़ी 200 पीस की इसकी पैकिंग रहती है, और ये काफ़ी सारा आप ये देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आइटम ये आ जाती है ब्रेक पैडल की स्प्रिंग, ये सेंसर स्प्रिंग। सेंसर स्प्रिंग आप देख सकते हैं। हाँ जी। ये 100 पीस का एक पैकेट रहता है। ठीक है, क्या प्राइस रहेगा सर इस पैकेट इसका? मैडम 3.5 रुपए पर पीस रहता है, तो ये 100 पीस का 350 रुपए ऑलमोस्ट प्राइस पड़ जाता है इसका। कोई क्वांटिटी में लेता है तो डेफिनेटली आपका चैनल देख के आता है, आपका नाम बोलता है तो डेफिनेटली उसके लिए डिस्काउंट है। क्या बात है, चैनल का माध्यम से अगर आप आते हैं तो स्पेशली आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। बिल्कुल। और ये नेक्स्ट आइटम रहती है हमारी ब्रेक पैडल की स्प्रिंग, आप जैसे कि देख सकते हो जी, ये भी मेरे पास बल्क में जितना बोलोगे उतना अवेलेबल है। नेक्स्ट आइटम ये रियर एक्सल की भोगली। हाँ, ये हल्का, इसमें दो वैरायटी होती है, ये हल्का और इसमें भारी। सर अगर मार्केट में बात करें तो ये प्रोडक्ट्स कितने तक के सेल होते हैं? ये मैडम इसकी कॉस्टिंग रहती है 3 रुपए से लेके 3.5 रुपए तक, और ये कस्टमर जैसे रिटेल में लगता है तो ये जो छोटा दुकानदार होता है एक पीस 10 से 15 रुपए का वो रिक्शा वाले को लगाता है, तो आप मार्जिन आप कैलकुलेट कर सकते हो। Exactly. अगर कोई दुकान खोले आज अपनी या कोई नया काम करना चाहे, हल्का फुल्का एक एक्सपीरियंस लेके
और फिर उसको आप इसे जैसे कि मैंने बताया 3.5 रुपए का पर पीस है, 10 रुपए बेच सकता है, प्लस उसमें लेबर चार्ज भी ऐड कर सकता है। हाँ जी। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हो पड़ेगा कितना कमा सकता है। ग्रेट। और जैसे कि मैडम मैंने बताया आपको, हमारी गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। हाँ जी। डेफिनेटली जब कोई चीज, एक फाइनल प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है ना, तो उसके स्पेयर पार्ट चाहिए ही होते हैं। बिल्कुल। और स्पेयर पार्ट्स में कोई फाइनल प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा मार्जिन होता है। तो स्पेयर पार्ट्स के भाई लोग जितने भी पूरे पैन इंडिया लेवल पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, किसी भी स्टेट से, कहीं से भी हैं, काम कर रहे हैं, आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और माल अपने यहाँ पे पर्सनल ले जाके बुक कर सकते हैं। और किसी कोई भाई नहीं आ सकता, जैसे कि एक अपना दिल्ली आने में मतलब उसको नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, वो फ़ोन पे भी ऑर्डर कर सकता है, फोन पे ऑर्डर लिखा सकता है, फोन पे पेमेंट कर सकता है और अपना ऑर्डर यहाँ से एग्जीक्यूट करवा सकता है। बेसिकली पैन इंडिया डिलीवरेबल है, आप कहीं से भी किसी भी स्टेट से बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट आइटम हम भी, ये ब्रेक रोडे रहती हैं। हाँ जी। ब्रेक रोडे में मैडम ये साइजेस चालू हो जाते हैं 18 इंची, 20 इंची, 22 इंची, 24 इंची, 27 इंची, 25 इंची, 29 इंची, 33 इंची, 37 इंची, 42 इंची, 40 इंची, मतलब सारे साइज अवेलेबल मिल जाएंगे यहाँ पे। मैडम वीडियो में आप देख ही रहे हो, साइज सारे अवेलेबल है और जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। सुपर। आप लेने वाले बनो, काम करने वाले बनो, गवर्नमेंट जॉब लोग कर रहे हैं या इधर उधर के काम कर रहे हैं, एक बार बस सर के साथ टच में आइए। मैं कह रहा हूँ एक बार आओ, अगर कोई काम करना चाहता है और मतलब सीरियसली कोई काम करना चाहता हो तो एक बार विजिट करो सर। नेक्स्ट आइटम ये रहने वाली है अपनी, ये साइड मिरर, ये काफ़ी फैंसी है और ये 6 इंची में इनकी लेंथ रहती है, काफ़ी बड़े होते हैं और काफ़ी लुक इन्हेंस करते हैं। ये फ्रंट ग्लास के साथ अटैच होते हैं जी। ये इनकी क्लैंप्स हैं। सर प्राइसिंग क्या रहेगा इसका? प्राइसिंग मैडम इसका रहता है 120 रुपये सेट, दो पीस का पेयर रहता है। रही बात क्वांटिटी की, आपके सामने है, जितना मर्जी स्टॉक आप मेरे से ले सकते हो, एक सिंगल ऑर्डर में या बल्क में जैसे मर्जी। कितने पीसेस रहेंगे सर एक पेटी में? इसमें मैडम 12 पेयर्स, इसमें जैसे कि 12 सेट का एक ये डब्बा होता है। हाँ जी। कभी कभी पेट, कभी कभी बॉक्सेस इसके चेंज हो जाते हैं, कभी 10 सेट रहते हैं, कभी 12 सेट रहते हैं, फिलहाल अभी 12 सेट का वो आप सब ऐसे रिटर्न रहेगा, राइट? हाँ, यस यस। नेक्स्ट आइटम हमारी रहने वाली है आयरन रूफ। पहले रिक्शा में मैडम फाइबर रूफ लगती थी। हाँ जी। उसमें एक डिसएडवांटेज क्या था, वो 6 महीने 8 महीने मैक्सिमम खराब, जैसे धूप की हीट लगती थी उस पे या बारिश लगती थी तो खराब हो जाती हाँ थी। अब समय के साथ साथ ट्रेंड बदला तो ये आयरन रूफ जैसे कि आप देख सकते हो 6 फीट इसकी लेंथ रहती है जी। आप ये लगा सकते हो और ये 3-4 साल कहीं नहीं जाती, रिक्शा खत्म हो जाती, ये खत्म नहीं होती। उसी के बाद ये नेक्स्ट आइटम है। हाँ जी। जैसे कोई अपना भाई रिक्शा चलाने का काम कर रहा है, लेकिन कौन सी जो अपना कार्गो वाली होती है, जो exactly, जो सामान इधर से उधर ढोती है, तो उसके लिए ये रिक्शा का ऑप्शन भी अवेलेबल मेरे पास रहता है। टू सिटिंग वाला रहता है, पीछे आप सामान लोड कर सकते हैं। यस यस, उसमें ड्राइवर बैठता है प्लस पीछे सामान कैरी करता है, तो उसके लिए ये अपनी आयरन रूफ रहती है। ठीक है। नेक्स्ट आइटम जैसे कि मैडम मैंने आपको दिखाई थी। हाँ जी। ये अपना अलॉय व्हील है। अलॉय व्हील क्या है, रिक्शा की लुक इन्हेंस करता है एक ओल्ड रिम से। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में रिम दिखाए थे, उनकी एक अपनी कॉस्ट है, इसकी एक अपनी कॉस्ट है। हाँ, उसकी एक अपनी ड्यूरेबिलिटी है, इसकी अपनी ड्यूरेबिलिटी है। ये लुक इन्हेंस करता है, प्लस जो रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो ये वाले रिम लगाते हैं, और जिससे कि क्या है, उनको प्रीमियम वर्जन इसको अपडेट करने के लिए, जो बेस मॉडल की रिक्शा होती है उसमें वो वाले रिम लगते हैं, और जो जो अपर मॉडल की रिक्शा होती है उसमें ये वाले रिम लगते हैं अपने। ओके। नेक्स्ट आइटम हमारा रन, और क्वांटिटी, रही बात क्वांटिटी की, तो आप ये देख सकते हो सारा स्टॉक अपने पास है। और अभी क्या मैंने बात है, अभी यस, और अभी मैडम मैंने एक गियर ऑयल दिखाया था, तो अभी पीछे सारा बाइक बॉक्स देख सकते हो, सारे गियर ऑयल की ये सारी पेटियां हैं, नीचे से लेके ऊपर तक। ये आप देख सकते हैं कितना ज्यादा स्टॉक अवेलेबल है इस टाइम पे सर के पास। आप 400 पेटी बोलो, 100 पेटी बोलो, 500 पेटी बोलो, जितनी बोलो, एक सिंगल शॉट ऑर्डर में, सिंगल शॉट ऑर्डर में। नेक्स्ट आइटम हमारी रहने वाली है चार्जर। अब ये चार्जर देख सकते हो, ये 48 वोल्ट में आता है और स्पेसिफिकेशन इसकी रहती है 15 एम्पियर जी। और चार्जर क्या है, बैटरी को चार्ज करने के लिए बहुत ज़रूरी और इसेंशियल आइटम होती है। ये देखोगे इसके साथ ये प्लग है, ये फीमेल प्लग है, इसके साथ मेल प्लग आता है जो कि रिक्शा के अंदर होता है, फिट होता है। आप इसमें रीडिंग वगैरह देख सकते हो, कितना इसमें एम्पियर आ रहा है, कितना इसमें वोल्ट आ रहा है, कैसे क्या हो रहा है, और इसमें इसको लो और हाई इसको इस बटन से आप कर सकते हो, और ये इसकी रीडिंग्स के इंडिकेटर शो किए हुए हैं इसमें। नेक्स्ट आइटम हम दिखाएंगे आपको मैडम,
रहने वाले अपने मीटर। हाँ जी, ये देख सकते हैं आप, हाफ डिजिटल मीटर है। क्या बात है। इसमें क्या है, इसमें बैटरी, इस तरफ बैटरी इंडिकेशन रहता है, इसकी इस तरफ लेफ्ट लेफ्ट वाली साइड की तरफ इसमें अपना किलोमीटर और अपना जो भी रिक्शा किस स्पीड से चल रही है, कितनी उसकी स्पीड है, कितनी उसकी एवरेज है, सब कुछ इस डिस्प्ले पे मेंशन होगा। इस डिस्प्ले पे मेंशन होता है। एंड इसका भी स्टॉक सर, ये सारा, ये मैडम, ये सारा जितना भी स्टॉक देख रहे हो आप, ये सारा इधर से, इधर से सारा स्टॉक रहने वाला है। यस मैडम, यस, सुपर। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी रेंज रहती है मीटर की जी, वो ये क्रोम वाले मीटर की, ये क्रोम वाले मीटर की रहने वाली है। इसमें आप रीडिंग देख सकते हो मैन्युअली। हाँ जी। इसको ऐसे अप और डाउन करके, ओके, इधर से मेन रीडिंग आती है और इधर से आप एक सेट कर सकते हो। एडवांस्ड वर्जन। यस यस यस। इसमें किलोमीटर शो करता है कि मेरी बैटरी ने कितनी एवरेज निकाली आज जी। और उसके बाद ये बैटरी इंडिकेशन है, उधर ये इंडिकेटर का इंडिकेशन है, लो बीम हाई बीम सारे कपलर के साथ कंप्लीट अपने पास अवेलेबल है। ग्रेट। और रही बात स्टॉक की, जैसे कि मैंने बताया कि बाहर से जैसे कि ये कुछ आइटमें इंपोर्ट होती है, तो ये सारा मेरे पास एनी टाइम आप बोलो 50, 100, 200, 500, 1000 जितना मर्जी बोलो एट अ टाइम अवेलेबल है। अमेजिंग। उसके बाद हमारे पास रहने वाले हैं ये हैंडल बार। हैंडल बार क्या है, ये रिक्शा को आप ये दे सकते हैं। इसमें आईकेट मॉडल, स्प्लेंडर मॉडल, छोटा बड़ा, आप ये सारा एट अ टाइम देख सकते हैं। और जैसे कई रिक्शा में क्या होता है कि गोल वाली इंडिकेटर लगते हैं तो उसके लिए जाली है, और किसी किसी में चोरस वाले होते हैं तो ये चोरस वाले भी होती है, वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। और मतलब आपको एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड हर प्रोडक्ट मिलने वाला है, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो कोई पार्ट हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी जो आपको इस छत के नीचे नहीं मिलने वाली। एंड प्राइजेस आर सो अफोर्डेबल। नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं सर? नेक्स्ट आइटम हमारी रहने वाली है मैडम हेडलाइट जी। और हेडलाइट आप देखेंगे जो इसको रिक्शा मैन्युफैक्चरर लगाता है, प्लस जिन भाई की हेडलाइट जो दुकानदार रखते हैं ये हेडलाइट ले सकते हैं। और ये 3 पिन इसका कपलर और ये बल्ब के साथ कंप्लीट पैकेज रहता है। सुपर। आप एट अ टाइम अभी देख सकते हो कि मेरे पास। प्राइस क्या रहने वाला है सर इसका? प्राइस मैडम इसका 180 ओनली। क्या बात करो सर, सिर्फ और सिर्फ 180? यस। और यही आप सारा स्टॉक इसी का रहने वाला? यस मैडम, इसी को आप अगर कंपनी में परचेज करते हो, रिंडर, ल्यूमैक्स और इन सब चीजों के लेते हो, स्विस के लेते हो, तो 550 रुपए प्राइस रहता है उसका एक पीस। ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। इसी में फिर किसी को और सस्ती चाहिए तो फिर ये हेडलाइट आ जाती है अपनी। हाँ जी। ये कुल 150 की है, ठीक है। इसमें अगेन बल्ब होल्डर, इसमें पूरा पैक मिलने वाला। यस यस यस, कंप्लीट। नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट आइटम मैडम ये जिसमें मेट्रो हैंडल है, ये कस्टमर रूफ हैंडल। इसमें आप देखो कि जितना मर्जी आप मेरे से ले सकते हो, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, काफी रेगुलर आइटम होती है। नेक्स्ट आइटम हमारे पास ये रहती है टीवाई के शॉकर। हाँ, इसको रिक्शा मैन्युफैक्चरर और आफ्टर सेल वाले दुकानदार भाई काफी लगाते हैं। Exactly. 8.5 किलो इसका वेट रहता है और सस्पेंशन आप इसकी देख सकते हो, काफी लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आइटम हमारी रहती है मैडम ये रूफ लाइट, ठीक है, जिसको रात में जैसे यूज कर सकता है रिक्शा ड्राइवर और अपने को पैसेंजर जो उसके बैठे रहते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती। रूफ पे लगते, राइट? एब्सोल्युटली राइट। इसी में मैडम दूसरा मॉडल ये वाला रहता है, ये छोटी लाइट होती है, इसके साथ आप ये देख सकते हो, ऑन ऑफ का बटन भी है। इनकी क्या प्राइस रहने वाली है सर? इसका मैडम 35 से 40 रुपए इसकी कॉस्टिंग रहती है, और ये जो अपना दुकानदार भाई है अपने, वो इसको आराम से 50, 60, 100 रुपए तक उसको बेचते हैं अपने अलग अलग टाउन और अपनी अपनी अलग ज्योग्राफिकल हिसाब से, मतलब वो कहाँ पर किस स्टेट में, स्टेट के हिसाब से। यस। नेक्स्ट आइटम मैडम हमारी रहती है ये नंबर प्लेट की लाइट है। हाँ जी। जो कि पीछे टेल लाइट भी बोलते हैं इसको। ये कुल 35 से 40 रुपए इसकी कॉस्टिंग रहती है, ये अगेन 50 से 60 रुपए, 100 रुपए तक इसको बेचते हैं। यस यस। नेक्स्ट आइटम बहुत रेगुलर आइटम है, ये है ड्रम प्लेट। हाँ जी। ड्रम प्लेट आप मतलब ये मान के चलो मैडम, सबसे पहले तो जो भी आपके व्यूअर्स हैं, आप सबसे पहले तो ये देखना कि क्वांटिटी आपको एट अ टाइम सिंगल शॉट ऑर्डर पे जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी। आप 100 पीस ऑर्डर करो, मैं कह रहा हूं अगर जिस दिन मैंने ये मना कर दिया ना, मैं आपको वीडियो में बोल रहा हूं खुला कि आप 100 पीस का ऑर्डर करो, और 100 पीस अगर मेरे पास नहीं है तो आप ऑर्डर ही मत दो, सिंपल सी बात है। बिल्कुल। नेक्स्ट आइटम सर, जो प्राइसिंग आप बता रहे हैं दैट इज वेरी अफोर्डेबल। यस यस। प्राइस जो भी आप, मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, जो भी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके यूट्यूब के चैनल का नाम लेके आते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए डिस्काउंट रहेगा।
चाहे, और इस प्रोडक्ट के साथ साथ फ्रेट फॉरवर्डिंग का भी एक कॉस्ट होती है, उसमें भी मैं डेफिनेटली आपके नाम का डिस्काउंट करूंगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट आइटम हमारी ये रहती है ड्रम प्लेट, ये जो कि 115 से 120 रुपए की इसकी कॉस्टिंग रहती है। इसमें काफी सारे मॉडल आते हैं, इसमें ये जो हुंडी होती है कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आइटम हमारी रहती है बैक इंडिकेटर और फ्रंट इंडिकेटर जी। अभी मैडम जैसे कि वीडियो काफी लंबी होती जा रही है तो मैं कुछ एक आइटम दिखाता जाऊंगा। ये बैक इंडिकेटर है, इसी में फ्रंट इंडिकेटर मिल जाते हैं, इसी में बल्ब वाले मिल जाते हैं, प्लस एलईडी वाले मिल जाते हैं। एलईडी वाले आजकल ज्यादा ट्रेंडी है, उनकी क्या है लाइटिंग वाइटिंग काफी अच्छी होती है, हल्के से थोड़े से कॉस्टली होते हैं बट क्या है काफी ट्रेंडी होते हैं। वो आपकी पॉकेट पे अलाउ करता है कि आप कौन सा वाला प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट आइटम मैडम ये रहती है हमारी हैंड ब्रेक। हाँ जी। ये वायर के साथ आती है, इसकी कुल कॉस्ट 130 से 140 के बीच में आ जाती है। सुपर। और ये बैरिंग है हमारे पास जी। इसमें कितने पीसेस रहेंगे? इसमें मैडम जैसे कि आप देख सकते हो इसमें 10 पीसेस ये रहते हैं हमारे पास, ठीक है। 10 पीसेस इसमें साइजेस होते हैं मैडम, जैसे कि आप इसको देख सकते हो 6205 इसका साइज है। ये रियर एक्सल का बैरिंग है और ये पिछले वाले एक्सल में लगता है, ये 2RS में आता है। ये देखो देखो देख सकते हैं आप, हम ओपन करके दिखा रहे हैं सारे प्रोडक्ट्स ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि जो प्रोडक्ट्स दिखाए जा रहे हैं आपको वो बिल्कुल। ये देखो इसकी स्मूथनेस देखो कितनी प्यारी स्मूथनेस है इसकी, 2RS में है। ये आइटम दिखाना चाहूंगा आपको मीटर केबल और फ्रंट ब्रेक केबल, ये 10 पीस का पाउच रहता है, ठीक है। और ये अपना जो फ्रंट ड्रम असेंबली से कनेक्ट होती है और आगे की जो फ्रंट की जो ब्रेक होती है उसको रिक्शा को रोकने में हेल्प करती है। ओके। दूसरी आइटम मैडम ये हमारे पास इसे सिमिलर नॉट सेम सिमिलर आइटम रहती है, ये रहती है हमारे पास मीटर केबल, ठीक है। ये मीटर केबल जो रीडिंग वाले मीटर मैंने अभी आपके लास्ट आपको दिखाए थे उसमें ये कनेक्ट होती है, और कितनी रीडिंग हमारी कितनी रिक्शा हमारी पर डे में चली है ये उसमें हेल्प करती है मीटर को रीडिंग दिखाने में। नेक्स्ट आइटम हमारी रहती है फ्रंट ग्लास, इसको विंडशील्ड भी बोलते हैं। हाँ जी। किसी को सेपरेट सिर्फ ये ग्लास भी चाहिए, ये ग्लास ये फ्रेम इसमें 3 आइटम है, ये बीडिंग, मेरे पास ये बीडिंग भी है, मेरे पास ये सिर्फ फ्रेम भी है और मेरे पास ये ग्लास भी है। इंडिविजुअल्स भी मिल जाएंगे एंड अगर आप पूरा ये रेडी प्रोडक्ट भी लेना चाहे तो कंप्लीट ले सकते हैं। ओके। कॉस्टिंग की बात करें तो मैडम इसकी कॉस्टिंग कुल रहती है 1350 रुपए कंप्लीट की, दैट्स ग्रेट। और इसकी बीडिंग की कॉस्टिंग रहती है 150 रुपीज पर केजी, इसमें थोड़ी सी क्वालिटी आती है, 200 केजी की भी ये बीडिंग है मेरे पास, इसमें 150 की भी है, वो क्वालिटी वाइज रहेगा, क्वालिटी वाइज रहेगा मैडम, एब्सोल्युटली सुपर। नेक्स्ट आइटम हम दिखाते हैं मैडम, ये हमारे पास रहती है ऑयल सील जी। जिसमें मोटर की ऑयल सील है, डिफरेंशियल की ऑयल सील है, रियर एक्सल की ऑयल सील है, तो ये ऑयल सील आप ये देख सकते हैं। ऑयल सील मेन क्या करती है, ऑयल को किसी भी आइटम को ऑयल किसी भी चाइल्ड मेन पार्ट को चाइल्ड पार्ट से रोकने का ऑयल सील काम करती है। इसमें काफी सारे वेरियंट साइजेस होते हैं, 20-42-7, 25-50-8, 43-55-11 और काफी सारे साइजेस रहते हैं। इसके अलावा जो मैं वीडियो में साइज नहीं बताए मैंने आपको वो भी मेरे पास इजीली मिल जाएंगे, जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे। एंड ये आप स्टॉक देख सकते हैं, इसमें पूरा स्टॉक आपको अवेलेबल मिल जाएगा, भरपूर स्टॉक मैडम, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट आइटम मैडम मैंने लीफ स्प्रिंग के साथ ना आपको एक चीज दिखाई थी, ये 6 पटा 7 पटा 8 पटा अगेन, तो ये 24 इंची और 22 इंची की लीफ स्प्रिंग रहती है। ये कुछ चुनिंदा रिक्शा में लगती है, जैसे मेन जो सिटी लाइफ की जो रिक्शा है या कुछ और रिक्शा जो आजकल न्यू मॉडल्स की आ रही है उसके अंदर मिल जाती है। बहुत रेयर आइटम है मेरे पास, ये सारी कमानी जितनी मर्जी क्वांटिटी में मेरे पास मिल जाएगी। तो गाइस जैसे कि आपने देखा सर ने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स दिखाने की कोशिश करी बट स्टिल एक वीडियो में हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं, तो सर मेरे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपसे यहाँ पर। अगर किसी को ऑर्डर प्लेस करना है तो वो किस तरीके से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, आपके ऑफिस वेयर हाउस में विजिट कर सकते हैं या वीडियो कॉल पे किस तरीके से रहेगा, थोड़ा सा बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मैडम कस्टमर का ऐसा रहता है कि कस्टमर कॉल पे एक बार सबसे पहले तो आप जैसे वीडियो देखिए इसमें देख सकते हैं प्रोडक्ट क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, मेरे पास रिक्शा के पिन से लेके डिफरेंशियल तक, छत से लेके मतलब सारी आइटम, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज मेन कंपोनेंट्स सारे अवेलेबल है। और रही बात मैडम कस्टमर की, तो मेरे को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आ सकता है, आप क्वेरी कर सकता है, ऑनलाइन फोन पे कॉल करके पूछ सकता है मेरा ये ऑर्डर है, मेरे को ये चाहिए इतने अमाउंट का। अच्छा एक अमाउंट होता है ना, कुछ अमाउंट की कोई कैटेगरी कोई लिमिट कुछ नहीं, कोई लिमिट नहीं है। आप 10,000 का ऑर्डर कर दो, 50,000 का ऑर्डर कर दो,
एक लाख का कर दो, 10 लाख का कर दो, आपको उतने का माल मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात बोली सर आपने। और सर ये पैन इंडिया में डिलीवरेबल रहेगा, ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर? मैडम मेरा कोई भी कस्टमर, कोई भी भाई आपके चैनल से जैसे कि आता है, एक आपका बहुत रिस्पॉन्सिबल आप जैसे कि हैं, और काफी आपने काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स, काफी शॉपकीपर्स आपने दिखाए हैं, तो एक मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको एक बहुत अच्छी कमिटमेंट करूं। कोई भी कस्टमर आता है तो पैन इंडिया लेवल पे उसके जिले में, उसकी सिटी में ट्रांसपोर्टेशन अगर फैसिलिटी अवेलेबल है तो डेफिनेटली मैं वहां पर कोरियर और डिलीवरी कर सकता हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन। बस ट्रांसपोर्ट का चार्ज अलग रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, पैकिंग चार्जेस एक्स्ट्रा रहेंगे, लेकिन आपके व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स कोई भी आते हैं तो उसके लिए बहुत नॉमिनल रहेंगे। और अगर कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट जैसे 2-2.5 लाख रुपए से ऊपर का रहता है तो उसमें हो सकता है मैं वेवो भी कर दूं, जस्ट बिकॉज आपका कोई चैनल, आपके चैनल के थ्रू आता है। तो दैट्स ग्रेट। तो गाइस यहीं पे वीडियो को हम एंड करते हैं, चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज सर के न्यू स्टॉक की अपडेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आती रहेगी। जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।